मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेल. लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6 एमएस वर्ड. चैप्टर 6 एमएस वर्ड पार्ट 1. टुडे आई टीच यू द लेसन ऑफ चैप्टर 6. इट्स टाइटल इज एमएस वर्ड 2013. इन दिस चैप्टर वी लर्न table of content, footnotes, situation and bibliology, captions, index, table of authorities. In the previous class we had learned about being forward of objects, alignment of objects in the document, send backward to object, grouping and ungrouping the object, use of selection pane and rotation of object in the different degrees. Now further we will discuss about references tab. हमने last class में पढ़ा, आपने class 5th में इस chapter को पढ़ा है, जिसमें आपने being forward of object, object को पीछे कैसे करना है, alignment of object इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में अलाइनमेंट कैसे सेट करना है, सेंड बैकवर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को बैक कैसे भेजना है, यूज ऑफ सिलेक्शन पेन, इसका यूज कैसे करना है, ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में कैसे करना है और उसको बाद में अनग्रुप कैसे करना है, और रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डिग्रीज, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिग्रीज में रोटेट करना है, कैसे करना है, ये आप लास्ट क्लास में इसको जान चुके हैं. लेट्स एक्सप्लेन अदर टॉपिक्स, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट एंड फुट नोट्स. इन दिस शॉर्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टेबल ऑफ कंटेंट एंड फुट नोट्स. ओके, लेट्स एक्सप्लेन द चैप्टर बाय बुक. टेबल ऑफ कंटेंट. Table of content is just like the list of chapters at the beginning of the book. जैसे कि हम किसी book के starting में एक index देखते हैं जिसमें chapters के name और page number दिए होते हैं, ये कुछ same उसी तरीके का होता है. It lists each section in the document. ये document के प्रत्येक section की list होती है. And the page number where the section begins. और ये पेज नंबर शो करता है जहाँ से वो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है. A really basic table of content might look as shown. एक टेबल कैसे दिखती है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं. टेबल ऑफ कंटेंट एक साइड में है और दूसरी साइड में हमारा पेज नंबर है. देयर दिस चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 and chapter 4. Chapter 1 is page number 2, chapter 2 is page number 19, and chapter 3 page number 41, and so on. We can create a table of content manually. Hum table of content ko manually bhi bana sakte hain, typing the section names and the page numbers, section name aur page numbers ko type karke. But it would take a lot of work, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा. If we ever decide to rearrange our section, add more information, we will have to update everything all over again. अगर हमको दोबारा से अपने टेबल में कोई फॉर्मेटिंग करनी होगी, कोई चेंजिंग करनी होगी, तो हमको बहुत सारा काम करना होगा. However, with the right formatting, MS Word can create and update a table of content automatically. जबकि MS Word इस काम को बहुत ही आसानी से automatically कर सकता है. Let's learn to create a table of content in MS Word 2013. आइए हम table of content MS Word में बनाना सीखते हैं. Step 1, apply heading style.
टू अप्लाई अ हेडिंग स्टाइल सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट. सबसे पहले हमको वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा जिसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं. एंड देन चूज द डिजायर्ड हेडिंग इन द स्टाइल ग्रुप ऑफ द होम टैब. होम टैब से जा कर के हमको स्टाइल ग्रुप में जा कर के अपनी डिज़ाइन को चूज़ करना होगा. स्टेप टू, इंसर्ट द टेबल कंटेंट. वंस वी हैव अप्लाइड हेडिंग स्टाइल, एक बार हम जब हेडिंग स्टाइल को अप्लाई करते हैं, वी कैन इंसर्ट आवर टेबल ऑफ कंटेंट इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स. हम अपनी टेबल ऑफ कंटेंट को थोड़े से क्लिक से पा सकते हैं. गो टू द रेफरेंसेस टैब ऑन द रिबन. रिबन से हम रेफरेंसेस टैब में जाएंगे. एंड देन क्लिक द टेबल ऑफ कंटेंट कमांड. उसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट कमांड को क्लिक करेंगे. सेलेक्ट अ बिल्ट इन टेबल फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स एंड द टेबल ऑफ कंटेंट विल अपीयर इन योर डॉक्यूमेंट. हम यहाँ से बिल्ट इन टेबल को करेंगे सेलेक्ट, जिससे कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट हमारे डॉक्यूमेंट में शो होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. As you can see in the image given, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, the table of content uses the heading style in our document to determine where each section begins. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि heading के बाद सभी पर page number डिसाइड है. heading one, it is the formatting of room. page number 3, heading 2, the Seven Hills of Rome, page number 11. Heading 3, The Old Kings of Rome, page number 13. हमने यहाँ देखा कि सेक्शन और उनके पेज नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं. वेयर ईच सेक्शन बिगिंस, जहाँ से वो सेक्शन स्टार्ट होगा. सेक्शन दैट बिगिन विद द हेडिंग 2 और हेडिंग 3 स्टाइल विल बी नेस्टेड with a heading 1 style, much like a multi-ablist. यहाँ पर heading 1 के साथ और heading 2 और 3 के साथ एक heading और मर्ज की गई है. A table of content also create links for each section. Table of content links भी create करता है सभी sections के लिए, allowing us to navigate the document. Hold the control key and click to go and key section. यहाँ से हमको key section को navigate करके हम इस desired task को पा सकते हैं. So children, this was your part 1 of chapter 6 MS Word 2013. We will discuss next topic and in next videos. Okay, thanks, goodbye.